बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं टमाटर प्यूरी बनाने जा रही हूँ, तो आप देख लें, मैंने ये 3 किलो के करीब टमाटर ले लिए। आप अपनी पसंद से अपने हिसाब से केजी ले लीजिएगा टमाटर्स की। टमाटर प्यूरी में कुछ भी नहीं होता, पर काम बहुत आसान हो जाता है अगर पहले से बना के टमाटर प्यूरी घर में रखी हो। मैं 2 किस्म की टमाटर प्यूरी बनाने बता रही हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आप वो पिक कर लीजिएगा और अपने लिए चुन लीजिएगा उस तरीके को, ठीक है। मैं 2 किस्म की बनाती हूँ, ठीक है। आइए पहला तरीका देखते हैं। सबसे पहले टमाटरों को इस शेप में काट लें। ये देखें, आपके पास अगर जग भी हो, इस टमाटर प्योर लाल होने चाहिए, ठीक है। रेड टमाटर ले लीजिएगा। टमाटरों को यूं कीजिए और इस शेप में काट दीजिए। आपके पास जग हो तो भी चलेगा, आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा। चाहे छोटा हो तो यूं करके काट लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। चाहे अगर बड़ा हो तो इस शेप में, ठीक है। टमाटर अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा प्लीज, ताकि हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है चीज की, कि किस तरह की क्वालिटी है आपकी चीज की, ठीक है। अगर बैड क्वालिटी के यूज करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, वो सड़ जाएंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे, वो बिल्कुल थर्ड क्लास चीज होगी, अच्छी नहीं होगी। हम ही लोग तो इस्तेमाल करते हैं ना, तो अच्छी चीज को डीप फ्रीजर कीजिए या फ्रिज में रखिए, फ्रीजर कीजिए आप, तो ज्यादा अरसे तक आपकी मेहनत स्वार्थ हो जाएगी पूरी, ठीक है। अब चलते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले यूं करके टमाटरों को पकड़ना है। देखिए, मिक्सी है तो मिक्सी में छोटा करके डाल दीजिए, ग्राइंडर है, चॉपर है, तो इस तरह से पकड़ के सिर्फ और सिर्फ पीसना है टमाटरों को। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। यूं करके रख के इसको पीसना है, ठीक है। मैं इसको पीस लूँ फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये टमाटर पिस गए थे सारे, इस शक्ल में आए। देखें, फाइन पेस्ट सा बना ले। बहुत आसान बता रही हूँ, 2 तरीक़े से बता रही हूँ। यहाँ से 2 तरीक़े शुरू होते हैं। अब तक एक ही तरीका था, टमाटर लिए और उनको हमने क्या किया, उनको हमने फाइन पेस्ट के रूप में ले आए, उनको पीस लिया है, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं देखती टमाटर महंगा है या सस्ता है, मैं महंगाई के आलम में भी टमाटर प्योरी बना के अपने पास सेव कर लेती हूँ, ठीक है। तो 2 तरीक़े से बनाना बता रही हूँ, ध्यान से देखेंगी अपना फायदा करेंगी, और बहुत ही आसान तरीका है दूसरा वाला, तो जिसकी कोई इंतहा नहीं। बस उसमें ये ख्याल रखना है, टमाटर इंतहाई बारीकियां से पिसे हुए हों, बार बार जग है तो बार बार पीस लीजिएगा थोड़ा सा, और अगर नहीं है जग, मिक्सी है, तो बार बार चला लीजिएगा। देखें, मैं ये 2 तरीक़े से बनाती हूँ। एक में मैं ये पल्प निकाल देती हूँ टमाटर का, ठीक है, इसके बीज भी इसमें छान देती हूँ, अलग हटा देती हूँ, और क्या कहते हैं, अलग निकाल देती हूँ, वेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन बेसिकली तौर पर मैं जो डेली बनाती हूँ, डेली कुकिंग में अपना यूज करती हूँ, वो ये करती हूँ कि डायरेक्ट टमाटर प्योरी बनाती हूँ, फाइन पेस्ट मगर बना लेती हूँ। लेकिन मैं ये दोनों तरीके से आपको सिखाने जा रही हूँ इस वक्त, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। ये इस तरह करके टमाटर को छान लीजिए, ठीक है। पहले पोजिशन का, पहले नंबर का ये है तरीका, मेथड ऑफ वन ये है, ठीक है। अच्छी तरह दबा दबा के उतना पल्प निकलेगा टमाटरों का, इसमें सीड है, बीज है यानी के, और टमाटरों का छिलका है, ठीक है। ये निकल आया, इतना आपको इस तरह मिल जाएगा टमाटर प्योरी, ठीक है। 2 टेबल स्पून इसके 1 टमाटर कहलाते हैं, ठीक है। प्योरी जब तैयार हो जाएगी जब, लेकिन पहले से बता दी जा रही हूँ, थोड़ा सा और बनाऊंगी, ये वेस्ट कर दीजिए फिर इतना, ठीक है। पर मैंने पहले भी बताया, टमाटर सस्ते हो महंगे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये नहीं निकालती, मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, ठीक है। लेकिन ये पहला तरीका था, तो आपके लिए ये निकाल के ही बनाने जा रही हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा और बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये पकड़ा, अलग निकाल दिया, वेस्ट कर दिया, निकाल दिया इतना, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को, ठीक है। इतना तो आपका टमाटर निकल जाएगा, आधा प्योरी खत्म कर देगी। अब आप जहीन खुद ही फैसला लीजिएगा कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इतना ये वेस्ट है कचरे में डालने के लिए, ठीक है। ये हमारा आ गया मेन आइटम, ये प्योर पल्प, ये आया प्योर पल्प। ये प्योर का बनाएंगे, प्योर प्योरी, और ये हम घरेलू प्योरी इस्तेमाल करेंगे जो आपको होटलों में पाई जाती है। ये होटल वाले मेन ये प्योरी लेते हैं, सिर्फ टमाटर का पेस्ट बनाते हैं और चूल्हे की तरफ इसको लेकर जाते हैं और गर्म करते हैं। आइए जरा मैं आपको बता दूं दोनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्योर प्योरी आ गई, ठीक है। ये अच्छे से गर्म होगी फिर बताऊंगी, अब दूसरी लेकर आती हूँ, ठीक है। जो डायरेक्ट पीसने के बाद मैं लेकर आ रही हूँ, जो आमतौर पे मैं अपने घर में बनाती हूँ। आ जाइएगी कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, मरिया जरा आ गया, ठीक है।
ये मैं आमतौर पे घर में बनाती हूँ, ठीक है? आपको बताती हूँ दोनों में फर्क, दोनों चीजें। एक बात मैं आपको बता दूँ सच्ची सच्ची, ये होटल में बनाई जाती है डायरेक्ट टमाटर पीस के, ये लोग इसको पकाते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है? इसको थोड़े देर पकने देते हैं, फिर उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने थोड़ी देर पकाया है, ये तैयार हो चुका है। चाहे तो आप ये वाला, ये जो मैंने बिल्कुल सीड वगैरह निकाल दिया था, ये आपका कितना बना है मैं आपको ये भी बता दूंगी, ठीक है? ये आप चाहे तो इसको और मजीद गर्म कर सकती हैं, और चाहे तो यहीं रोक सकती हैं, चाहे तो और पका लें, मगर मैं थोड़ा इसको और थोड़ा सा और पकाऊंगी, ठीक है? अच्छा, अब जो मैं बनाती हूँ वो इसको पक रहा है, देखें वो ये पक रहा है। अच्छा, आपको पता है ये जो ढाबों वगैरह में होता है, जो आपको जल्दी जल्दी पका के चिकन कढ़ाई वगैरह बना के दे देते हैं, वो ये वाले का होता है, वरना इतना ज्यादा नुकसान हो जाए इंसान का जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं बताती हूँ फिर बाद में आपको, ठीक है? अब ये जो पकने स्टार्ट हुई थी, इसमें क्या करेंगे हम, ये इतनी आधी चम्मच के बराबर लाल मिर्च, और 1 चम्मच के बराबर इसमें जाएगी पेपरिकाना पाउडर, ठीक है? और इसमें जाएगा ये आधी चम्मच के बराबर ही नमक, ठीक है? अब क्या करना है, और इसमें क्या जाएगा आपको बता रही हूं मैं, ये 1 चम्मच तेल, 2 चम्मच तेल, और ये 3 चम्मच तेल, बस। इसके बाद आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसको चला लेना है ऐसे, हाँ ऐसे। फिर इसको क्या करना है, आपने आंच बंद कर देनी है, अब ठीक है? आंच बंद करके अब हिलाना है इसको, इसको वो पक रहा है, अभी इसकी बारी है, ठीक है? ये रेडी तो वो हो गया है। अब इसमें क्या करना है आपने जी, आपने कुछ भी नहीं करना, लेमन जूस ले लें, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, 4, ठीक है? 4 टेबल स्पून के करीब आपने छोटे वाले चाय के, 4 टेबल स्पून नहीं, 4 टीस्पून, छोटे वाले टीस्पून जो होते हैं चाय वाले, वो आपने इसमें डाल देने 4, यानी आप ऐसा करें 1 लीमू ले लें, ठीक है? पूरा 1 लीमू में ही 4 टीस्पून के करीब निकलता है, पूरा 1 लीमू निचोड़ दें आप इसमें, ठीक है? ये आपकी टमाटर प्योरी यहाँ पे रेडी हो गई है, ठीक है? ये इस तरह की मेरी टमाटर प्योरी देख ली, तो इसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं होगी, ये रेडी है, इसको ठंडा करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। दूसरा हमारा ये रेडी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, फिर आपको दिखाते हैं बाद में। देखें ये बबलिंग आने लगी, चूल्हा मैसी होने लगा है, इसका मतलब ये है कि ये पक के तैयार हो गई है, ठीक है? चूल्हा मैसी होने लगा है, इसमें बबल्स ऊपर तक आने लगे, वक्फे वक्फे से चम्मच चलाना है, डोंट वरी बी हैप्पी, बहुत इजीली बन जाता है। आइए देखिए अब मैं क्या करती हूँ, चूल्हा ऑफ कर दिया, अब मैं लेकर चलती हूँ काउंटर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये टमाटर प्योरी मेरी रेडी हो गई, कितना स्मूथ पेस्ट है और कितनी जायज कमाई से तैयार हुई है। आप ये देखिए, हमने टमाटर फेंके नहीं है, क्योंकि वो फेंक देने में कुछ नहीं होता, मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये 2 चमचे पेपरिकाना पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चमची जो है लाल मिर्ची की, ये पूरी अंदर गई आराम और सुकून के साथ, ठीक है? 2 नींबू, उसमें 1 गया था, इसमें 2 नींबू गए, ठीक है? 1/4 यानी चौथाई हिस्सा तेल, कप का बिल्कुल चौथाई, यानी कि 6 छोटे छोटे चम्मच ले लीजिएगा, काफी होगा, ठीक है? 2.5 किलो में, क्योंकि आधा किलो तो हमने उसमें निकाल दिए थे टमाटर। ये इसको मिक्स अप किया, ठीक है? प्योर प्योरी तैयार है, बड़े मजे से, जो आप होटलों में ढाबा से कहती हैं जाइए कढ़ाई बनवा के ले आइए, और वो आपसे तकरीबन 800-900 की कढ़ाई बना के फटाफट से आपको दे देता है फौरन से, तो वो ऐसे नहीं दे देता है, वो अगर वो वाली प्योरी बनाएगा ना, तो उसको कुछ नहीं मिल पाएगा, उसके पास कुछ नहीं जाएगा, उसके जो होता है उनका कमीशन जो बनता है, कुछ नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए ये कितनी स्मूथली प्योरी बनी है, ये देखें, ठीक है? और अब मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ये देखिए ये प्योरी भी आप देखिए, ये देखिए, ये एक इस स्टाइल की प्योरी है, ठीक है? ठीक है, ये आपकी वन टाइम अगर आप डालेंगी तो आपको क्या फायदा होगा, ये क्या फायदा होगा आपको? अगर आप महंगाई के दौर में टमाटर लेकर, वो सस्ताई के दौर में तो चलो ठीक है, और अगर महंगाई के दौर में बना के सेव करना चाहती है, पुरानी होके खाने से कुछ नहीं होगा इसको, आप ज्यादा ज्यादा लोग तो 6-6 महीना सेव करके खाते हैं, बट मैं तो 15 दिन के अंदर खत्म कर देती हूँ, मेरी बहनों वाली बात है। व्यूवर्स आप मेरे अच्छे हैं, सब्सक्राइबर्स मेरे अच्छे हैं, मैं
उनको जीनियन बात बताऊंगी क्योंकि उनकी सेहतों का सवाल होता है। प्लीज इसको 20 दिन के अंदर खा के खत्म कर दीजिएगा। ज्यादा दिन फ्रिज में आइटम रख के भी उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जरासीम हो जाते हैं, वो सही नहीं होता, ठीक है। इसको आप डीप फ्रीजर में रखेंगी, डीप फ्रीजर से आधी को निकाल लेंगी जो डेली यूज करेंगी इसको, और फिर आधी को डीप फ्रीजर में रख दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, डीप फ्रीजर से प्याले को निकालिएगा, ये गई इसमें पूरी, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, जब आप अपनी हांडी तैयार करेंगी तो मैं आपको बिल्कुल सही का रेशो बताऊंगी, गलत रेशो मैं नहीं बताती आपको, ठीक है। आपको क्या करना होगा, ये ऐसे ऐसे 2 चम्मच लेने होंगे और आपकी आधा किलो चिकन में पड़ेगा जब जायका आएगा इसका, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप आधी फ्रिज के नीचे वाले पार्ट में रख देना और आधी आप फ्रिज के ऊपर वाले पार्ट में रख देना। ये इतनी हमारी तैयार हुई है, ठीक है, प्योर प्योरी, इंग्लिश प्योरी जिसको कहते हैं आप। ये हमारी कितनी तैयार हुई है, अब आप इसकी तरफ आ जाए। तमाम चीजें मिक्सअप है इसमें, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह, ये इतनी, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। एक जार भर के 3 किलो की तैयार हुई है। अब आप बताइए, अब आप बनाएंगी तो कितने फायदा होगा, अब आपका फायदा जिसमें वो चीज आप तलाश कीजिएगा और लगाइएगा। मैं कभी भी नुकसान की चीज कोई नहीं बनाती हूँ, ना ही शेयर करती हूँ। मैं भेड़ चाल नहीं चलती दोस्तों, मैं राइट चाल चलती हूँ, इसीलिए मुझसे चिकन जिंजर की फरमाइश होगी। तो मैं चिकन जिंजर से पहले इसको रेडी कर रही हूँ क्योंकि मेरे बड़े काम की चीज होती है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये देखें, ये आधा मैं निकाल लूंगी इसको अपने डेली खाने में माशाल्लाह यूज करने के लिए, नीचे रखने के लिए, ठीक है, इतना इतना, और आधा डीप फ्रीजर में लगाऊंगी, ठीक है। ये इतना मैंने निकाला नीचे के पार्ट में रखने के लिए, ये जाएगा डीप फ्रीजर में। किस वक्त जाएगा, ठंडा होने के बाद, ऐसे करके पैक्ड होगा ये, ठीक है। ये प्याला है हमारा साफ सुथरा सा बड़ा सा, ये डीप फ्रीजर में ऊपर डी वाले पोर्शन में ये लग जाएगा, डी में जिसमें बर्फ होती है और ये जिसमें पानी होता है ठंडा, ये उसमें लग जाएगा, ठीक है। और ये मेरा जो है, मैं इसको भी यूज कर लूंगी, ठीक है। अब आपकी मर्जी, मैंने 2 तरीके बताने थे, मैंने आपको प्यार और मोहब्बत से 2 तरीके बताए। कुछ लोग इसको 6 महीना यूज करते हैं स्टोरेज में रख के फ्रिज के, और कुछ लोग इसको 2 महीना में यूज करते हैं, कुछ लोग 3 महीना यूज करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 3 किलो की आप कितने दिनों में खत्म करती हैं, कैसे यूज करती हैं, किस तरह पसंद करती हैं। मैंने आपको सब सच बताना था, बता दिया, 15 से 20 दिन में हो सके तो खत्म कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अगर पसंद आया हो ये 2 तरीका तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।